हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर का चैनल ब्लॉगर सत्यम गुप्ता। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे हाथ में है फ्यूल पंप अपाची आरटीआर 162B का बेसिक्स मॉडल का। तो आप लोगों का काफी ज्यादा क्वेश्चन आ रहा था इस बाइक के फ्यूल पंप को लेकर कि क्या इसका प्राइसिंग रहने वाला है, काफी कॉस्टली हो गई फ्यूल इंजेक्शन में बाइक। तो आज मैं आपकी जितनी भी डाउट है वो सब क्लियर करने वाला हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं इसी को फ्यूल पंप बोला जाता है, जो भी कंपनी आपको सारी बेसिक्स बाइक में ऑफर कर रही है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि कोई भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और बाइक अपडेट्स मिस ना हो जाए। तो हम स्पेशल थैंक्स करना चाहेंगे शोरूम वालों को जिन्होंने हमें ये प्रोडक्ट प्रोवाइड किया ताकि हम इसका रिव्यू कर पाए। तो बात करते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले कि आप इसे देख सकते हैं, ये अभी आपको बेसिक्स में सारी बाइक्स में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ये फ्यूल पंप आप इसे बोल सकते हैं, जो कि अभी आपको फ्यूल इंजेक्शन वाली लगभग सारी बाइक्स में देखने को मिलेगा। बात करते हैं तो इसका डिजाइनिंग थोड़ा सा सारी बाइक्स में चेंज हो सकता है। तो ये जो अभी यहाँ पे अवेलेबल है ये आपको 162B का मॉडल का आपको ये देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको इसमें दो नॉब्स देखने को मिल जाते हैं, एक आउटलेट का और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको कनेक्शन इसका देखने को मिल जाता है। बात करते हैं इसकी प्राइसिंग का, तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसका बॉक्स हमारे हाथ में है। इसका जो आपको प्राइसिंग है वो 4,390 रुपीज के अप्रोक्स में आपको इसका प्राइसिंग देखने को मिल जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। और यहाँ पे आपको मॉडल भी लिखा हुआ है, फ्यूल पंप मॉडल E2V BS6, मतलब ये अपाची 2V का BS6 मॉडल का फ्यूल पंप है। तो आपको जो इसका प्राइसिंग है वो 4,390 रुपीज के अप्रोक्स में देखने को मिल जाएगा, जो कि देखा जाए तो कार्बोरेटर से ज्यादा महंगा नहीं है। अगर आप कार्बोरेटर में भी लेते थे तो 3,000-4,000 के अप्रोक्स में ही आपको प्राइसिंग देखने को मिल जाता था। तो प्राइसिंग में आपको कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलने वाला है, आराम से फ्यूल इंजेक्शन वाली बाइक के साथ जा सकते हैं BS6 में, वो आपको ज्यादा कॉस्टली नहीं पड़ेगी। सेम प्राइसिंग आपको कार्बोरेटर मॉडल में भी देखने को मिलता था। तो प्राइसिंग वैसा कुछ बड़ा नहीं है, अगर इन फ्यूचर आपकी बाइक का फ्यूल इंजेक्शन कभी खराब होता है तो आप इजिली चेंज करवा सकते हैं, कोई ज्यादा कॉस्टिंग नहीं आएगी आपको। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा आप लोग का आ रहा था कमेंट्स में, तो फाइनली मैं वीडियो लेकर आ गया हूँ स्पेशली उसके लिए। तो अगर आपकी डाउट्स क्लियर हो गई हो फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि कोई भी ऐसी अपडेट्स और इंटरेस्टिंग वीडियोस मिस ना हो जाए। और अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस पूछना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।